हाय गाइस, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक गुप्ता, साइन अप ऑटो वाले अंकल चैनल। दोस्तों, आप लोग को तो मालूम है कि सुर्खियों में है कि जो कि थिएटर बंद चालू का ऐसे सब माहौल आ रहे हैं, लेकिन हमें जो है उसके ऊपर नहीं बात करना। आज जो है हमें बात करना है सलमान खान जो है उनके बैनर तले बनने वाली एक मूवी आने वाली है, जिसमें जो है अदित पंचोली के लड़के सूरज पंचोली को लिया गया है, जिसकी साउथ की रिमिक है। हम लोग बात करेंगे आज जो है हमारे बीच जो है मतलब छोटे मोटे कलाकार, मतलब देखो छोटे से ही बड़ा होते हैं, तो नाम है सतीश और आगे जो है हम लोग उनसे ही जानेंगे। सतीश जी बोलिए। आप अपना जो है फैन जो है मेरे फैन लोग को, सलमान खान के फैन लोग को अपना ये दो। हाय दोस्तों, मेरा नाम सतीश सिंह है ऑफिशियल, और प्यार से लोग मुझे बाबा के नाम से जानते हैं। फेसबुक पे भी हूँ मैं सतीश सिंह बाबा करके। आज ऑटो वाले अंकल मिले मुझे, उन्होंने रुकाया, बोला कि यार बाबा थोड़ा सा आपका बातचीत करनी है आपसे, बस सलमान खान के बारे में और कुछ नहीं। तो और ये हमारे मनीष हैं, इनके मित्र, इनके दोस्त हैं, आज उनसे भी मिलिए। देखिए ये भी जो है हमारे फैन हैं और सलमान खान के भी फैन हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सूरज पंचोली को जो है जबरदस्त ब्रेक जो है सलमान खान ने दिया है। साउथ की मूवी है और उस मूवी की नाम रखा गया है बारिश। जबरदस्त नाम है और साउथ की मूवी में जो रीमेक मूवी है, सलमान खान ने जो दिया उनको चांद दिया, जो कि 2015 में जो हीरो में चांद दिए थे वो मूवी इतनी खास नहीं चली थी। तो आप बताइए कि सब लोग बोलते हैं नेपोटिज्म के बारे में, तो सलमान खान अगर इतना ही रहता तो 2015 के बाद वापस जो है सूरज पंचोली को ब्रेक देते। नहीं देखिए कैसा ना, ये सुशांत सिंह राजपूत का जो कांड हुआ था, लोग कहते थे नेपोटिज्म, भाईचारा, भाईवाद, ऐसा कुछ नहीं है। सलमान खान इतना ग्रेट बंदा है कि पूरे बॉलीवुड में ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा। लोग पैसा लेके काम देते ऐसा कुछ नहीं, बहुत बंदा। असल में अब सूरज पंचोली के जो बेटे हैं आदित्य पंचोली, उनको लेके फिर से एक मूवी बना रहे हैं, वो रीमेक है साउथ की, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मतलब, और मई तक शायद उसकी शूटिंग शुरू भी हो जाएगी और बहुत अच्छी मूवी बनने वाली है। आदित्य पंचोली के जो बेटे हैं सूरज पंचोली, उनको लेके काम करने वाले। तो ये जो है मई में इसकी मई में शूटिंग चालू हो जाएगी, और जो कि इन्होंने बहुत जो है मतलब बोल भी दिया है कि मैं जो है बीच में जो कि एक मुक्केबाज जो है अपने इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उसके ऊपर कुछ बातें चल रही थी, लेकिन अब जो है उन्हें छोड़ करके साउथ की रिमिंग में अब एक बार और जो है देखते हैं सूरज पंचोली कहां तक खड़े उतरते हैं। अगर ये मूवी उनकी हिट हो गई तो समझो बल्ले बल्ले, नहीं हिट हुई तो उसके बाद जो है ऊपर वाला ही सहारा है उनका, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते। तो आप कुछ मनीष बोलेंगे कुछ है? सूरज पंचोली जो आदित्य पंचोली के लड़के हैं, एकदम एंग हैंडसम, कुछ उनके बीच पे कुछ बातें भी हुई थी आज जो है मतलब है, जैसे अभी बहुत से एक्टर पड़े हुए ऐसे, ये भी जो है मतलब उनको अभी दूसरी बार सलमान खान चांस दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या क्या बोलना चाहते हैं कि चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सलमान खान भाई को चांस देना चाहिए। और सलमान खान भाई, सलमान खान है भाई, जिसको चांस देते हैं वो सुपर हिट होते हैं। तो वो जो है जैसे आयुष शर्मा को जिस तरीके से उन्होंने अंतिम में उभारा मराठी की रिमिक बनाने के बाद भी, वो आज जो है सुर्खियों में है। सूर्यवंशी के बाद जो है कमान संभाली अंतिम ने, और बहुत दिनों तक मतलब 2-3 हफ्ते तक पब्लिक को घींचे ला रखी। और ये जो है मूवी जो है जहाँ तक हो सके तो सलमान खान के जो एस्केप जो कंपनी है मतलब उसके बैनर तले ये मूवी बनेगी, और नहीं कुछ हो तो लास्ट एंडिंग तक ये रिलीज होना तय है। हो सकता है 2023 में, या तो फिर सलमान खान की मूवी टाइगर 3 के पहले भी रिलीज हो सकती है। तो हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि ये साल में हम लोग 3-3 मूवी देखेंगे, एक तो पठान, सेकेंड टाइगर 3 और थर्ड ये बारिश। तो बारिश में भी जो है ये बारिश के अंदर जैकलिन का भी कुछ इसमें 3 हीरोइन है, एक जो है जैकलिन का नाम आ गया, अभी उन्होंने साइन नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है जैकलिन अगर आएगी बहुत दिन के बाद तो क्या लग रहा है? तो जैकलिन जो है मतलब है किक के बाद जो है उनको, तो ये जो है ना मतलब है जो भी है ये बारिश है। बारिश जो है ये मूवी आने वाली है आदित्य पंचोली के लड़के
सूरज पंचोली। तो दोस्तों सलमान खान अभी जो है सबको मालूम है वीकेंड गवार पे वो रहते हैं और जबरदस्त जो है कल से उनका भी चालू है। तो दोस्तों मैं इतना ही चाहूँगा कि आगे जो खबर आएगी मैं आपको भेजने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही चाहता हूँ कि ऑटो वाले अंकल चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, ऑटो वाले अंकल के फैंस के लिए, ऑटो वाले अंकल के जितने भी फैंस हैं इनका रिव्यू बहुत सुपर होता है। ये हर मूवी को बारीकी से देखते हैं, एक दो तीन बार देखने के बाद ही रिव्यू देते हैं। प्लीज़ इनको कॉपी ना करें, प्लीज़। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। नमस्कार, जय हिंद।